जो महाभारत कालीन अश्वत्थामा जी थे उनकी बताया जाता है कि वो इस स्थल पर यहाँ पे आए थे और यहाँ पे उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया था। जो आप ये मूर्ति देख रहे हो, पुरातात्विकताओं का ऐसा कहना है दोस्तों कि ये लगभग 2000 वर्ष पहले की ये मूर्ति है। दोस्तों कई बार वास्तविक सत्य ऐसे ऐसे वास्तविक सत्य होते हैं जिन्हें हम जानने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं। आज ऐसा ही सत्य हम जानने के लिए आए हैं दोस्तों सांभर नगरी में, जो कि सांभर नगरी एक हेरिटेज नगरी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। और यहाँ का जो प्राचीनतम इतिहास रहा है अपने आप में बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए हम चलते हैं आगे की ओर और हम बताते हैं उस स्थान को जिस स्थान के बारे में बहुत सी प्रचलित कथाएं हैं। दोस्तों आज हम जिस स्थान की बात कर रहे हैं वो स्थान है सांभर का देवयानी सरोवर स्थल, जहाँ का माना जाता है कि पूरे विश्व भर का ये पहला एक ऐसा धार्मिक स्थल है जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा एक इतिहास बनाए हुए बैठा है। तो दोस्तों हम अंदर चलते हैं और इसका पूरा का पूरा इतिहास हम एक्सप्लोर करते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जुड़े रहे दोस्तों, चलिए। दोस्तों देवयानी सरोवर का कार्य अलग अलग समय में होता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये खम्भे बहुत प्राचीन है और इनकी डिज़ाइन आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से तराशी गई। एक सरोवर का इतिहास ये रहा है कि यहाँ पे जो शुक्राचार्य थे, जो माने जाते थे दैत्य दानवों के गुरु माने जाते थे, जो उनकी पुत्री थी देवयानी, उनके नाम पर बनाया गया ये सरोवर है। और बहुत कुछ इसका इतिहास है दोस्तों, हम और आगे पूरा का पूरा इसका इतिहास हम बताने की कोशिश करेंगे। जो कि देवयानी थी उसके नाम पे ये बताया जाता है कि ये जो तीर्थ है ये सभी देवों की नानी यानी देवयानी इस नाम से ये जाना जाता है दोस्तों। और आप चारों तरफ देख सकते हो इसमें लगभग बताया जाता है कि 26 पूरे घाट, जो एक घाट पर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ दोस्तों, ऐसे पूरे 26 घाट हैं और लगभग 28 मंदिर यहाँ पे अभी विद्यमान है। मिनी पुष्कर भी इसको बोला जाता है क्योंकि ये पुष्कर जैसा दिखाई देता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि राजस्थान में आपको कहीं पे भी देखने को ये ऐसे नहीं मिलेंगे। जो आपको ये कमल के फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कमल के फूल वैसे तो सर्दियों में उत्पन्न होते हैं लेकिन अभी भी ये यहाँ पर देखे जा सकते हैं इस सरोवर में। और इनकी एक और यहाँ के एक बात है दोस्तों, जो कि आप चारों तरफ दोस्तों ये कमल के फूल आप देख रहे हो, इनमें बताया जाता है कि जो यहाँ का सरोवर का जल रहता है वो इनके पत्तों के ऊपर तक टिक जाता है लेकिन इनके जो पत्ते हैं वो अंदर की ओर यानी सरोवर के नीचे की ओर नहीं बैठते। और इधर आने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हो छोटी छोटी मछलियाँ, जो मछलियाँ भी काफ़ी बहुत आए हैं इस सरोवर में। और दोस्तों जो बताया जाता है कि जो देवयानी थी शुक्राचार्य की पुत्री थी, वो जो यदु वंश है, जो आज के समय में अपन अहीर यादव इन्हें बोलते हैं, ये एक जाति है, उनकी कुलदेवी मानी जाती है। उनकी ये देवयानी कुलदेवी है। बताया जाता है कि उनका कुल देवयानी से ही उत्पन्न हुआ है यदुवंशी। और जो देवयानी थी दोस्तों ये भगवान श्री कृष्ण से भी संबंधित है। दोस्तों जो ये आप मेन दरवाज़ा देख रहे हो इस सरोवर का, इस घाट का, जो यहाँ पे आने के बाद में हमें कुछ ऐसी विचित्र चीज़ दिखाई दी, जो कि आप जो छोटे छोटे बर्ड देख रहे हो, चिड़िया देख रहे हो, ये अपने घोंसले इस प्रकार बना रखी है यानी इस डिज़ाइन में है इनके घोंसले, जो कि बहुत ही देखने लायक एक हेरिटेज इसको हम पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे दृश्य देखने के लिए बहुत ही कम दिखाई देते हैं इस समय। और ये पूरे मिट्टी का घर बना रखी है, जो सरोवर के आसपास की जो मिट्टी होती है, ब्लैक काली मिट्टी होती है, तो उन्हीं की ये ऐसे घर बना रखी है।
आप देख सकते हो कितनी प्यारी और कितनी इनकी अच्छी आवाज़ है सुनने में। दोस्तों बताया जाता है कि महाभारत काल में पांडवों को मारने वाले अश्वत्थामा जो थे वो यहीं पे आके उन्हें कुछ अज्ञातवास या कुछ समय यहीं पे व्यतीत करना पड़ा था, और उनको बताया जाता है कि ऐसा कुछ श्राप भी लग गया था तो उनका श्राप भी यहीं पे मुक्त हुआ था। और ये उनके लिए अश्वत्थामा के लिए बताया जाता है कि वो आजीवन अमर रहने का उन्हें वरदान प्राप्त था। तो ऐसे सुनने में आता है कि यहाँ के जो कई पंडित लोग हैं उन्हें भी कई बार उनके दर्शन हुए हैं प्रात, और उनके पैरों के निशान यहाँ पे हैं। दोस्तों तो आइए दोस्तों हम वो भी जगह दिखाते हैं आपको। दोस्तों जो आप ये हमारे पीछे एक चबूतरा नुमा आकृति में आप देख रहे हो, ये जो महाभारत कालीन अश्वत्थामा जी थे उनकी बताया जाता है कि वो इस स्थल पर यहाँ पे आए थे और यहाँ पे उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया था। देवयानी सरोवर के जस्ट नज़दीक दूसरी ओर आते ही हमें एक और चीज़ ऐसी पुरातात्विक चीज़ दिखाई दी जो कि बहुत ही अचंभित चीज़ है। हमें यहाँ के स्थानीय निवासी से जानने के बाद में एक ऐसी हमारे को एक मूर्ति दिखाई दी जो कि सरोवर में खुदाई के दौरान ये मूर्ति निकली थी। और जो आप ये मूर्ति देख रहे हो, पुरातात्विकताओं का ऐसा कहना है दोस्तों कि ये लगभग 2000 वर्ष पहले की ये मूर्ति है। तो आप देख सकते हो दोस्तों इसकी आप लिपि देख सकते हो, ये लिपि कौन सी भाषा में लिखी हुई है। अगर दोस्तों ये लिपि अगर आप में से कोई जानता हो तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा कि ये लिपि कौन सी है। और बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक हमारे को ये मूर्ति दिखाई दी है जो सनातन धर्म से संबंधित मूर्ति है। दोस्तों ये हम आप पहुँचे हैं शर्मिष्ठा सरोवर की ओर, जो कि माना जाता है कि देवयानी जो थी उनकी एक सहेली मानी जाती थी ये, और जो यहाँ के राजा थे असुर राजा उनकी पुत्री थी। तो ये शर्मिष्ठा सरोवर ये देवयानी सरोवर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास ऐसे ऐसे ऐतिहासिक स्थल होते हैं जिनकी जानकारी तो हमें रहती है लेकिन उनका इतिहास हमें पता नहीं रहता। अगर दोस्तों आपके नज़दीक या आपके पास ऐसे कोई हिडन पॉइंट हो कि वास्तविक आप जानते हो कि ये दिखाने लायक हो और वो किसी YouTube पे एक्सप्लोर नहीं किए गए हो, तो हमारे को ज़रूर कमेंट में सूचित करें। हम वहाँ पर आएँगे और उसका इतिहास अच्छी तरीके से खंगालने की कोशिश करेंगे और YouTube के माध्यम से लोगों तक उसका इतिहास हम पहुंचाएंगे।
दोस्तों इसी क्रम में हम वीडियो की हमारे ब्लॉग वीडियो की समाप्ति करते हैं, और जितनी भी यहाँ की हमने आपको ऐतिहासिक चीज़ें, ऐतिहासिक स्थल और ऐतिहासिक घाट यहाँ का एक्सप्लोर किया। और दोस्तों देखते रहिएगा हमारा YouTube चैनल द हेरिटेज दृश्य, हम ऐसे ही ब्लॉग लाते रहेंगे दोस्तों। और एक और अंतिम चलते चलते अंतिम बात दोस्तों, अगर हमारे चैनल हेरिटेज दृश्य को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ दोस्तों बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। चैनल दोस्तों जो नई नई आने वाली ऐसी हेरिटेज वीडियो, जो अपने आसपास में ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिनकी जानकारी, जो ऐतिहासिक स्थल हम जानते तो है लेकिन उन ऐतिहासिक स्थलों की दोस्तों जानकारी हमारे पास नहीं है, तो ऐसी जानकारी दोस्तों हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।